हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राहुल गुप्ता फिटनेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो मेरे काफ़ी सारे भाई जो हैं वो गेनिंग करने की सोच रहे होंगे। तो आज जो है उनके लिए मैं एक प्रोग्राम लाने वाला हूँ, जिसमें मैं जो है आपको सारी एक्सरसाइजेज कि आपको वर्कआउट स्प्लिट किस तरीके से रखना है, आपको न्यूट्रिशन कैसे लेना है, और आप जो है और इसमें मैं जो है आपको सप्लीमेंट स्टैक कि आप जो है इस प्रोग्राम के दौरान कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करेंगे और किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, और जो मेरे भाई लोग सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहते या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वो सप्लीमेंट की जगह कौन कौन सी मील्स ले सकते हैं, वो जो है मैं इस प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये जो प्रोग्राम है वो 12 हफ्ते का होने वाला है, 12 वीक प्रोग्राम है ये, और इस प्रोग्राम का नाम है क्लीन गेन। तो जो है हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो है मैं क्या क्या आपको जो है किस तरीके की वीडियो जो है आएंगी हमारी, और आप जो है किस तरीके से हमसे जो है सीख सकते हैं कि आपको जो है किस तरीके से क्लीन गेनिंग करनी है। तो बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको जो है पूरे वीक का वर्कआउट स्प्लिट किस तरीके से रखना है, कि आप जो वर्कआउट कौन किस दिन कौन सा वर्कआउट करेंगे। तो मंडे को हम रखेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप, और ट्यूसडे को रखेंगे बैक एंड बाइसेप्स, और वेनसडे को रखेंगे हम शोल्डर और थाई। तो इन सभी एक्सरसाइज में जो है हम इन सभी जो वर्कआउट के जो है हम रखेंगे चार चार सेट रखेंगे, और 12 से 15 रैप रखेंगे, और जितना आप हैवी जा सकते हो, मतलब अपनी लिमिट से आप जितना हैवी मार सकते हो, आपको जो है उतना हैवी एक्सरसाइज को जो है करना है। तो और रेस्ट रहेगा हमारा एक्सरसाइज के बीच में और सेट्स के बीच में हम रेस्ट रखेंगे 45 सेकंड का हम रेस्ट रखेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको अपना जो है वर्कआउट फॉलो करना है। तो अब हमारी बारी आ जाती है कि हमें सबसे कि हमें कैलरीज और न्यूट्रिशन किस तरीके से रखना है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, न्यूट्रिशन में आप रखेंगे 50% जो आपकी पूरे दिन की कैलरीज होंगे, उसमें आप जो है 50% कैलरीज तो लेंगे आप कार्ब से, और 30% आप कैलरीज लेंगे प्रोटीन से, और जो बाकी की जो कैलरीज हमारी बचती हैं 20% वो हम लेंगे फैट से। तो आपको जो है इस तरीके से जो है अपनी कैलरीज जो है अपनी डिवाइड करना है अपना जो है आपको, और जो है हर इंसान की जो कैलरीज हैं वो जो है अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि आप मान के चलें, फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान की हाइट है 5.10 इंच, तो इसमें हम पहले अपना बॉडी जो है BMR इंडेक्स जो है BMR कैलकुलेट करेंगे, और उसे हम इंटू करेंगे 1.5 से, और उसमें जो है हम 200 कैलरीज जो है बढ़ा के लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्लीन गेनिंग पे हैं, तो इसीलिए हम जो है स्लाइटली जो है कम ही हम जो है कैलरीज बढ़ा के लेंगे। हम इसमें जो है 200 कैलरीज ही जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैलरीज आती हैं 2600, तो आप जो है पूरे दिन का कैलरीज इनटेक रखेंगे वो रखेंगे आप 2800, और हर हफ्ते हम जो है हम इसमें वीक बाय वीक जो है इसमें हम 25-25 कैलरीज जो है इंक्लूड करते रहेंगे, ताकि जो है हमारी जो गेनिंग प्रोसेस है वो हमारा गेनिंग प्रोसेस जो है आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। और हमारी जो है अगर हम कम जो है कैलरीज, मतलब 25-25 कैलरीज हम जो है बढ़ाते रहेंगे, तो हमारा फैट भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है क्लीन गेनिंग, और हम जो है क्लीन गेन जो है करेंगे। तो अब जो है हमारा आखिरी पॉइंट आ जाता है कि हमें इसमें सप्लीमेंट क्या क्या यूज़ करना है। तो ये जो है मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊँगा कि आपको क्या क्या सप्लीमेंट यूज़ करने हैं, और अगर आप सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप जो सप्लीमेंट की जगह जो है वो क्या क्या फूड जो है सप्लीमेंट की जगह पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे चैनल को प्यार दें, और आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरीके से आप जो अपने गेनिंग कर सकते हैं, क्लीन गेनिंग आप कर सकते हैं। लव यू ऑल, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, बाय।